हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मैं हूं आपका अपना राज भाई। और आज आपके सामने है यामा MT-15 मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं। इसके अंदर काफ़ी जबरदस्त मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। सबसे पहले जबरदस्त स्टार्ट करते हैं, ये देखिए इसके अंदर लगाए गए हैं विंग्स मिरर, जो कि आपने देखे होंगे बहुत सारे वैसे जो लगाते हैं, बट ये हैं कुछ लुक यूनिक। ये देखो ये यूनिक लुक के अंदर आपके विंग्स मिरर ऑन करने के बाद इसमें आपको पूरा व्यू भी नजर आ, ये ना थोड़े से बाहर निकलने वाले हैं। नॉर्मली कहते खड़े होते हैं, खड़े नहीं है, ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और सेटिंग अपने अकॉर्डिंग जहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, जैसे आप चाहो सेम इधर मिलेंगे, सेम आपको इधर मिलेंगे। लुक चेकआउट कर लो, जो आपने ज़्यादातर वीडियोस में ट्रेंडिंग वीडियोस में देखे ना, ये वो वाले मिरर है ट्रेंडिंग वीडियो वाले, जो कि इसके अंदर लगा देंगे MT-15 के अंदर आपकी। और इधर आपको देखने मिलेगी IHD यानी, जो कि चाबी ऑन करने को जिस तरीके से होती है, देखिए ये इसकी IHD यानी जो दिख रही है आपको, ब्लैक एंड रेड कलर की। साथ में आपको मिलती है रिंग लाइट, जो देख सकते हैं ये भी रेड कलर ली गई है। कलर इसमें और चाहो तो कोई भी ले सकते हो आप, जो जो आपको चाहिए। और इधर आपको मिले फॉग लैंप, फॉग लैंप का रोशनी चेकआउट करूँ तो कैसी होती है आपको, ये देखिए ये हो गया आप वाइट, ये हो गया आपका येलो, ये हो गया येलो वाइट, और ये हो गया आपका ब्लिंकर। और इसमें एक फीचर्स और है, वो है आपका ये है आपका रेड, जिसे कहते हैं डेविल आइज। ये भी इसके अंदर ये है 5 फीचर वाली, जो कि इसके अंदर लगा दी गई है। फिटमेंट देख लो, जहाँ आप चाहो वहाँ सेट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपके अकॉर्डिंगली हर जगह सेटिंग हो जाती है इसकी। नीचे आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, इधर आप देख सकते हैं ये लगा देगा इसके अंदर फॉक्स प्रोटेक्शन, फॉक्स लैडर, इससे आपका शॉकर होता है पूरी तरीके से, क्योंकि ये होता है USD शॉकर। और आपका शॉकर पे अगर वो कुछ भी लगा इसमें स्क्रैच वगैरह आ गए तो आपका ये होता है लीकेज होने के बाद, समझ लो फिर आपको शॉकर ही नया लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रॉड है यही नहीं डलवानी पड़ेगी। तो ये करता है इसको सेफ, नीचे आपका शॉकर और आपकी डिस्प्ले ये होती है पूरी तरह सेफ, और साथ में इसका मरगाड़ भी होता है पूरी तरीके से सेफ। इधर भी सेफिंग होगी और साफ का सेफ होता है आपका इस तरफ से भी। साथ में वो देने मिलेगा इसके अंदर व्हील कवर, जो कि देख सकते हो ये ब्लैक कलर का व्हील कवर है, हाफ वाले लगा देंगे, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह बड़ी होती है तो इसमें हाफ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लुकिंग काफ़ी ज़्यादा नाइस हो जाती है। साथ में मिलते हैं हैंड ग्रिप, जो कि मिलते हैं गोल्डन और ब्लैक की मैचिंग के साथ, देख सकते काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सेम मिलता है आपको इस तरफ, और इधर मिलेगी आपको मास्टर सिलेंडर कैप, जो कि मिलते हैं यामा MT-15 की ब्रांडिंग के साथ, देख सकते हैं आप ये भी इसमें लगा दी गई है। इधर आपको मिलते हैं एयरडक, सेम मिलते हैं आपको उस तरफ। इसके बाद आप देख सकते हैं इधर मिल जाएगी आपको MT-15 की ब्रांडिंग के साथ गोल्डन कलर की, ये मिलती है आपको रेडिएटर गार्ड, जो कि कुछ इस तरीके से मेटल वाली जो इसमें लगा दी गई है। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हैं आपके यामा के किसी भी मॉडल के अंदर आपके ये इंडिकेटर ईजिली फिट हो जाते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा तो फिटमेंट हो, यहाँ पर ना वाशर लगानी पड़ती थी, देखो इधर वाशर लगाने की जरूरत पड़ती थी, और जिसने कंपनी वाले इंडिकेटर नहीं लिए हैं इसके अंदर, उसको अब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में इंडिकेटर आ चुके हैं, जो कि यामा MT-15, यामा RN5 या आपके एरोक्स कोई से मॉडल के अंदर आपके इजीली फिट होता है। आप चेक करते हैं इसकी रोशनी, देखिए ये इसकी रोशनी है इसकी कुछ इस तरीके से, LED वाले इंडिकेटर होते हैं। साथ में इसमें लगा दिया हैजार्ड, जो जितनी बार बटन ऑन ऑफ करूँगा इतनी बार पैटर्न हो जाएंगे इसके चेंज, इसमें 20-30 पैटर्न इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। और इसे बंद करने सिंपली इसको पुश करेंगे हो जाएगा बंद, ये देखिए। साथ में को देखने मिलेगी इसके अंदर की कवर, जो कि मिलती है आपको यामा की ब्रांडिंग की, ये भी गोल्डन की दी गई है। आप चाहो तो इसमें भी कोई भी कलर ले सकते हो आप, जो आपको चाहिए। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा बैक साइड में, इधर आइए, ये मिलता है आपको बैक साइड में MT-15 की ब्रांडिंग के साथ का एग्जॉस्ट कवर, जो कि इसके अंदर लगा दिया गया, इससे आपका एग्जॉस्ट की लुक भी नहीं जाती है, साथ में आपका एग्जॉस्ट सेफ भी हो जाता है, क्योंकि ये कवर वगैरह जाता है टूट जाता है, स्क्रैच आ जाता है, तो वो अभी आप खतरा आपका होगा सॉल्व। इधर आपको देखने मिलेगा शार्क फिन मरगार्ड, ये शार्क फिन मरगार्ड इसका ना यूज़ बताता हूँ आप क्या होता है। इसका जो बेसिक यूज़ है वो ये होता है कि ये जो शॉकर होता है ना, ये आप देख रहे होंगे इधर अंदर ना पहले थोड़ी सी डस्ट आ चुकी है, तो ये ना यहाँ पे डस्ट अब पूरी तरह से कंट्रोल कर देगा, क्योंकि सारी डस्ट को यहाँ पर रोक देगा ये। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका शॉकर होगा पूरी तरह सेफ, क्योंकि जब भी इसके अंदर डस्ट घुसती है और डस्ट रुकती है तो आपको पता है कि जब शॉकर जंप करेगा तो शॉकर खराब, शॉकर जंप हो नहीं पाएगा पूरी तरह, तो उसकी सील वगैरह कटने से क्या होता है ये पूरा डैमेज हो जाता है। तो इसको सेव करने के लिए लगाया इसमें शार्क फिन मरगार्ड, जिससे इसकी लुक भी एनहेंस हो गई और साथ में सेफ्टी भी हो गई। अब व्हील कवर आ गया, आपने देखा था हाफ वाला, इधर आपको देखने मिलेगा फुल वाला, देखिए ये इसका फुल वाला व्हील कवर, जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है, इससे आगे की जो लुकिंग है डिस्प्ले की वजह से सेफ हो जाती है। और इधर से बैक साइड में क्या है, ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं होती, तो इसकी लुक देख लो आप, इसकी लुक डिफरेंट हो जाती है उससे लगाने से। साथ में जो इंडिकेटर आपने आगे देखे थे वही सेम इंडिकेटर आपको मिलते हैं इस तरफ भी, ये देखिए KTM वाले। और साथ में इसमें लगा दिया टेल टेडी, जो कि यामा MT-15 की है, RN5 के किसी भी मॉडल के अंदर ये आपकी फिट हो जाती है प्रॉपर फिट, कोई आपका जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं इसके अंदर। तो ये तो थे इस बाइक की मॉडिफिकेशन, और अब मैं मिलाना चाहूँगा इस बाइक के ऑनर से, जिसकी ये बाइक है। भैया कहाँ से आए हैं, भैया काम कैसा लगा? तो हेलो सर। तो सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और आपको कैसा लगा? मेरा नाम रिहान मलिक है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। गाड़ी आप मेरठ से लेकर आए हो? हाँ जी, मेरठ से।
काम कैसा लगा आपको? काम एकदम मस्त। वीडियो देखी थी ऐसी? हाँ जी, आपकी वीडियो देख के आए हैं यहाँ पे। तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड हो? हाँ जी। काम वगैरह सब अच्छा? हाँ जी। कोई आना चाहे तो क्या सजेस्ट करेंगे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए हमारे पास? हाँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। तो भैया आप रेट वगैरह में किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? नहीं नहीं किसी चीज़ में। चलो जी, तो बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिलकर। तो आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अपने राजू भाई एस के डी को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।